YouTube के सभी दर्शकों का एक बार इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ में चार तत्वों का समावेश होता है, जिससे मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक बीतता है। जैसा कि बतलाया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य को अपने अधिकार को प्राप्त करते हुए कर्तव्य की ओर विमुख होना चाहिए, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय बीतता है। जैसा कि बतलाया गया कि अर्थ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिससे जीवन सुखमय बीतता है। काम का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिससे सृष्टि चलता है। लेकिन यह भी बतलाया गया कि मनुष्य को धर्म रहित काम और धर्म रहित अर्थ की ओर विमुख नहीं होना चाहिए। जैसा कि रामायण में रावण ने धर्म रहित काम की ओर अग्रसर होकर अपना और अपने कुल का नाश करवाया था। जैसा कि महाभारत में बतलाया गया कि दुर्योधन ने धर्म रहित अर्थ की ओर अग्रसर होकर अपना और अपने कुल का नाश करवाया था। इसलिए बताया गया है कि हमें धर्म की आज्ञा के अनुसार धर्म रहित काम और धर्म रहित अर्थ की ओर विमुख नहीं होना चाहिए, जिससे हमें पश्चाताप होता है। इस तरह से पुरुषार्थ में यह बतलाया गया कि धर्म हमें निर्देश देता है कि हम कोई भी कार्य सोच समझकर करें, जिससे मनुष्य और समाज का कल्याण हो। और यह बतलाया गया कि मोक्ष की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य होता है। मनुष्य जब मोक्ष की प्राप्ति करता है तो सभी कष्टों से दूर होकर ज्ञान प्राप्त कर प्रकाश की ओर जाता है, और प्रकाश उसे ब्रह्म से साक्षात्कार करवाता है। इस तरह से देखा जाए तो पुरुषार्थ में जिस तरह से व्याख्या की गई, वास्तव में मानव के हित में कार्य करता है, लेकिन एक नियम के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और समाज का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।